कहाँ है प्रभु श्री राम, जिसकी सेवा में मेरा हनुमान सदैव तत्पर रहता है, वो उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आए? नहीं माता, माता नहीं, आप ऐसा मत कहिए। नहीं पुत्र, उन्हें यहाँ होना ही चाहिए। यहाँ मेरे पुत्र के प्राण संकट में है। वो पुत्र जिसने जीवन पर्यंत श्वास भी ली तो अपने प्रभु श्री राम के लिए, उस हनुमान की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम को यहाँ होना ही चाहिए। माता अंजना के प्रश्नों से प्रभु व्याकुल हो उठे हैं। महाराज राम कहीं वो यज्ञ छोड़कर उठ ना जाए। यदि प्रभु यज्ञ से उठ गए तो यज्ञ भंग हो जाएगा। कहाँ है प्रभु श्री राम? क्या भक्त की रक्षा उनका दायित्व नहीं? माता अंजना के इन वचनों से अत्यंत व्यथित हो रहे हैं प्रभु। माता, निज स्वार्थ के लिए नहीं अपितु जगत के कल्याण हेतु अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं मेरे प्रभु। अपनी मर्यादा से बंधे हैं वो, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते और ना ही उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। कैसी विवशता है ये, जिस हनुमान ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की मेरी कठिन साधना में भग भग पर मेरा साथ दिया, आज मर्यादाओं से बंधा मैं उसी हनुमान की सहायता करने नहीं जा सकता। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, समझती हूँ मैं, यज्ञ की मर्यादा से बंधे हुए हैं वो, किंतु अन्य देवगण, उनकी क्या व्यवस्था है? वो भोलेनाथ के त्रिशूल से तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? माता, कोई नहीं रोक सकता भोले बाबा के त्रिशूल को, और वैसे भी त्रिशूल का प्रहार मुझ पर होगा, इसमें दुर्भाग्य कहाँ, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। सौभाग्य? मृत्यु का रूप धर भोलेनाथ का त्रिशूल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, इसमें कैसा सौभाग्य पुत्र? हे माता, इतना सुंदर अंत होगा मेरा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। किसी पापी असुर के अस्त्र से नहीं, राम काज को पूर्ण करते हुए स्वयं भोले बाबा के दिव्य त्रिशूल से होगा मेरा अंत। नहीं पुत्र, सारे देवता मुझे आशीष देंगे, इससे अधिक सौभाग्य की बात भला और क्या होगी। माँ हूँ मैं, अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र का अंत होते हुए देख किसी माँ का सौभाग्य नहीं हो सकता। तुम जिसे सौभाग्य कह रहे हो वो मेरा सबसे परम दुर्भाग्य है पुत्र। सौभाग्य ही तो है ये, परम सौभाग्य। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का अंत आज यही होगा, यही होगा अंत। और ये देवता जिस प्रकार विवश खड़े देख रहे हैं, ये उसी प्रकार विवश खड़े देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे ये। बस, अब एक भी और शब्द बोलने की धृष्टता मत करना दुष्ट पापी।
इस माँ की ममता से उत्पन्न ये वचन सुनो, अंत मेरे पुत्र का नहीं तुम्हारा होगा। तब तो आपकी ममता अवश्य आपको भ्रमित कर रही है, भ्रमित कर रही है ये माता। देखिए आरंभ अपने पुत्र के अंत का। कोई तो सहायता कीजिए मेरे पुत्र की। देवराज इंद्र, जब उसे दंडित करना था तब तो आप स्वयं अति शीघ्र प्रस्तुत हो गए थे, तो फिर आज उसकी रक्षा करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? वो घटना स्मरण है ना आपको? तब अपने वज्र का प्रहार करने में तनिक भी विलंब नहीं किया था आपने। फिर आज भोलेनाथ के त्रिशूल से उसकी रक्षा करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं आप? स्मरण कीजिए वो समय जब ब्रह्मदेव ने मेरे पुत्र को पुनर्जीवित किया था। उस दिन आप सभी देवताओं ने आके उसे वरदान दिए थे। सूर्यदेव, आपने तो अपना तेज प्रदान किया था उसे, तो फिर आज आप उसे रक्षा प्रदान क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूँ। कालदेव, आपने काल दंड से वध की संभावना से मुक्त किया था उसे, तो फिर आज त्रिशूल दंड से क्यों नहीं रक्षित कर रहे हैं उसे? तुम्हें जो लाल ध्वज चढ़ाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उस विधान का मैं सदैव पालन करूंगा। वरुण देव, आपने प्रचंड से प्रचंड जल प्रवाह के वेग से रक्षित किया था उसे। तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। अग्निदेव, आपने भीषण से भीषण अग्नि से रक्षित किया था उसे। मैं अग्निदेव तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। फिर आप दोनों भी मुक्त दर्शक क्यों बने हुए हैं आज? उसकी रक्षा क्यों नहीं करते आप? सभी के साथ भोलेनाथ ने भी उसे अपने अस्त्रों से सुरक्षित रहने का वरदान दिया था, तो फिर आज वो स्वयं क्यों नहीं आ रहे हैं अपने इस अस्त्र से मेरे पुत्र की सुरक्षा करने? और यदि रक्षा नहीं करनी थी तो फिर क्यों दिए ये वरदान? क्या इसलिए कि आपके वरदान प्रभावहीन हो जाए, निरर्थक हो जाए? माता, मैं प्रभु महादेव की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी व्यवस्था उनके क्रोध को निरंतर बढ़ाती जा रही है। माता, कुछ कीजिए। माता, अपने स्वामी की पीड़ा का भान है मुझे, किंतु आज इस त्रिशूल से हनुमान का कोई अहित हुआ तो उनका ये तांडव अवश्य ही प्रलय तांडव में परिवर्तित हो संसार का विनाश कर देगा। कदाचित प्रलय की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। स्वामी, यहाँ आप विवश हैं, उधर महादेव अपने वरदान के कारण विवश है, समस्त देवगण महादेव के त्रिशूल के समक्ष विवश है। फिर कौन रक्षा करेगा पुत्र हनुमान की? यदि किसी और में इतना सामर्थ्य नहीं तो ये माँ स्वयं करेगी अपने पुत्र की रक्षा। देवता असमर्थ हो सकते हैं, भोलेनाथ भी असमर्थ हो सकते हैं,
किंतु एक माँ अपने पुत्र की रक्षा करने में कभी असमर्थ नहीं हो सकती। अपना अंत स्वीकार करेगी माँ, किंतु अपने नेत्रों के समक्ष अपनी संतान का अहित होते हुए देख कभी स्वीकार नहीं करेगी। मेरे रहते मेरे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा। माता, मेरी विनती सुनिए, आगे मत बढ़िए माता। नहीं माता, रुक जाइए, रुक जाइए माता। रुक जाइए माता, रुक जाइए माता। रक्षा के लिए ये माँ अपनी ममता की शक्ति का आवाहन करती है। महादेव के त्रिशूल को रोक दिया माता ने, हमारी रक्षा कर दी उन्होंने, अब सुरक्षित हैं हम। माता अंजना की जय। अंजने हनुमान की जय। क्या यह त्रिशूल भूल गया? कैसे? महादेव ने नहीं, अभी तो स्वयं विद्युन्माली ने चलाया है। महादेव के वरदान के अनुसार ये मेरी इच्छा के विरुद्ध रुक नहीं सकता, नहीं रुक सकता ये। देवी देवता हो या माँ की ममता, त्रिदेवियों की शक्ति या स्वयं महादेव की इच्छा, अब कोई नहीं रोक सकता इस त्रिशूल को। मेरा वरदान अवश्य फलित होगा, अवश्य फलित होगा। अपने इस शिव त्रिशूल को नहीं रुकने दूंगा मैं, नहीं रुकने दूंगा। यदि उनके त्रिशूल से हनुमान का कोई अहित हुआ तो उनका ये तांडव अवश्य ही प्रलय तांडव में परिवर्तित हो संसार का विनाश कर देगा। कदाचित प्रलय की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कुछ भी हो जाए, आज मेरी ममता को भेद कर ये त्रिशूल मेरे पुत्र का अहित नहीं कर सकता। उत्तम, अति उत्तम। अब हनुमान के साथ उसकी माता का भी अंत होगा इनका।
मुझे महादेव को मनाना ही होगा कि वो अपने त्रिशूल से होने वाले सर्वनाश को रोक दे। नमामि शमीशन निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो प्रभु श्री राम का स्वर, स्वयं प्रभु श्री राम भक्ति में स्तुति कर नमः शिवाय स्वामी जी अपने भक्त की सुरक्षा की याचना कर रहे हैं। माँ, मुझे ज्ञात है कि माँ अपने संतान को क्षति नहीं पहुंचने दे सकती, तो सत्य तो ये भी है कि संतान से भी अपनी माँ का आहित नहीं देखा जा सकता। नहीं पुत्र, रुक जाओ, मेरे सामने नहीं आने दूंगी मैं तुम्हें। ओम नमः शिवाय। माँ, आपको ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता आपका हनुमान। ओम नमः शिवाय। रुक जाओ पुत्र, आगे मत बढ़ो। माता, ओम नमः शिवाय। ये विध्वंस, क्या परिणाम होगा इसका? हनुमान दिखाई नहीं दे रहे, प्रतीत होता है ये समस्त संसार इस स्तब्ध है इस घटना से। अंततः अंत कर ही दिया मैंने उस वानर हनुमान का, अंत कर दिया मैंने। अंत हुआ हनुमान का, भक्ति की शक्ति पराजित हुई, नष्ट होगा धर्म का प्रकाश, चहु दिशाओं में फैलेगा राक्षसी सोच का अंधकार। हनुमान के अंत के बाद अब अंत होगा उस राम का, उस राम का। फिर संपूर्ण संसार में राम राज्य नहीं, राक्षस साम्राज्य होगा, राक्षस साम्राज्य। ये कैसी ध्वनि है? प्रतीत होता है कि मेरे समीप कुछ आ रहा है। हनुमान की गदा, किंतु कैसे? Ah!
संभव है। असंभव है ये। अवश्य छल किया है महादेव ने मेरे साथ, छल किया है मेरे साथ, अन्यथा मरकट हनुमान महादेव के त्रिशूल से कैसे बच सकता है, कैसे? व्यक्ति को ईश्वर के आशीर्वाद का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका प्रयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए, अन्यथा आशीर्वाद शाप में परिवर्तित हो सकता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.